आज दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर लगातार 40 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लाखों किसान जो है अपना घर परिवार खेत सब कुछ छोड़ करके, कैसे किसान की जमीन बचे, कैसे किसान ताकतवर बन सके, कैसे काले कानून वापस कराया जाए, इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम करें। हैरानी की बात तो ये है कि देश में प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो लगातार सरकार के सामने जाकर के मांग करते और कहते हैं कि हमें फलां फलां सुविधा देने का काम करो। और उनको सुविधाएं देने की बजाय हम रोज देखते हैं कभी बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, कभी रेलवे के लोग स्ट्राइक करते हैं, कभी ट्रांसपोर्ट के जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी कई कई दिन तक अपने साधनों को खड़ा करके सरकार का विरोध करते हैं। डीजल और पेट्रोल जब बढ़ते हैं तो आम आदमी सरकार के साथ ज्ञापन दे करके अपनी बात उसके सामने रखता है, उनकी बात सुनने की बजाय उनको सुविधा देने की बजाय कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे अपने चाहते लोगों को मजबूत किया जाए, कैसे उनके पास आता धन और इकट्ठा किया जाए, उसके लिए जहां साथियों रेलवे को इन्होंने अडानी के गिरवी रखा, जहां रेलवे रख दिया वहां हवाई अड्डे भी दे दिए, हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको प्राइवेट कर दिया, जो केंद्र की सरकार के पास एक इनकम का साधन था उससे स्वयं हाथ खींच लिया और प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया। आखिर में जब ये लॉकडाउन लगा था, जब ये बीमारी बढ़ रही थी, जब इस बीमारी की आड़ में लोगों को डर और भय पैदा किया जा रहा था, उस वक्त के अंदर सरकार में बैठे लोगों ने देश के प्रधानमंत्री बड़े नज़दीक से जाकर के एक चीज़ को देखने का काम किया। केवल और केवल किसान एक ऐसा था, खेती करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस देश की डीजीपी आपके ये जो तौर पे हमारे सामने दिक्कतें आ रही थी, केवल किसान ऐसा था जो इसको मजबूत बना करके रखे हुए थे। इन्होंने तभी ये फैसला कर लिया था कि जहाँ से इस देश का आधार मजबूत है क्यों नहीं उनको भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, जो लोग इससे आर्थिक रूप से हमें मजबूत करते हैं वो कमजोर पड़ जाए। ना तो किसी किसान संगठन ने जाकर के केंद्र की सरकार से प्रदेश की सरकार से इस बात का आग्रह किया कि आप कोई हमें इस तरह के कानून बना करके लोगों को कोई नई सुविधा प्रदान करने का काम करें, और ना इन्होंने इस कानून को बनाते दफा किसी भी किसान संगठन को बुलाने का काम किया। बड़ी हैरानी की बात थी, इन्होंने ये सोच लिया था कि जैसे हमने धारा 370 हटाई तब इस देश में कोई नहीं बोल पाए, इन्होंने ये भी मान लिया कि तो फिर अगर किसान की जमीन प्राइवेट हाथों में देंगे तो भी इसमें कोई शोर शराबा नहीं होगा। लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप ये कानून बना करके इन्होंने हमारे ऊपर थोपने का काम किया। जब इसका ड्राफ्ट बनकर के तैयार हुआ था, ड्राफ्ट जब पब्लिक हुआ तो हमने अपनी पार्टी की स्टेट की बॉडी की मीटिंग बुला करके
ना केवल इसका विरोध किया था बल्कि स्टेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके प्रधानमंत्री के नाम भेजा था कि आप इस ड्राफ्ट को लागू कराने की बजाय, इसको टेबल करने की बजाय वापस लेने का काम करें। हमने, मेरे से पहले रोहतास जी ने बताया कि डिस्ट्रिक्टों पे जा करके इसके खिलाफ डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजे थे। हमने विधानसभा में भी इसका विरोध किया। अभी कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको लेकर के नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते। हमने तो पहले दिन इस बात का फैसला कर लिया था कि हम इस किसान की लड़ाई में कोई भी राजनीतिक नेता अगर इसका कहीं भी अगवानी करने का काम करेगा, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ लग करके इस किसान आंदोलन को मजबूत करेगा। हमने तो लगातार अपने पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन सब की एक जिम्मेवारी लगा रखी है कि आप वहाँ पार्टी के नाम के साथ जोड़ करके अपने आप को कहीं खड़ा करने की बजाय एक वॉलंटियर के रूप में काम करो, और काम करके जो पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अन्य स्टेटों से आए हुए लोग हैं उन लोगों के सामने किसी किस्म की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, उनको अपनी तरफ से आप जाकर के मदद करने का काम करो। हजारों हमारे साथी आज जो है अलग अलग बॉर्डर के ऊपर अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम कर रहे हैं। 8 तारीख को, फिर 7 तारीख को मैं सरसा से हजारों ट्रैक्टर साथ लेकर के आऊंगा, और उन हजारों ट्रैक्टरों के साथ 7 तारीख को चलूंगा, 7 को चल करके 7 को शाम का कहीं रास्ते में पड़ाव रखेंगे, और 8 तारीख को दोपहर तक शंभू के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। न केवल 8 तारीख तक इस काम को आगे करूंगा, बल्कि हमने एक फैसला कर रखा है कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे, जब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं लेंगे, मैं सर्वगंभीर पार्टी के सारे जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट बॉडी के जो नेता हैं उनकी हमने जिम्मेवारी लगा रखी है कि वो गांव-गांव में जाएं, जाकर के नुक्कड़ सभाएं करने की बजाय हुक्के पे बैठे लोगों से बात करें, एक एक गांव में समय लगाए और लोगों को जाकर के बताए कि किस तरह से अगर ये कानून इसी तरह से लागू रह गए तो अपनी जमीन से, ये जमीन हमारे से बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाएंगी, हम इस जमीन से वंचित हो जाएंगे, आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उसके सामने बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इस लड़ाई को हमने कैसे लड़ा जाए इसके लिए अभी से सबकी ड्यूटियां तो लगाई रखी है, लेकिन जहाँ तक बात इसकी विधानसभा में लड़ने की थी, मैं विरोध नहीं कर रहा कांग्रेस का, लेकिन बताना जरूरी है, हमारा जो भी सेशन आया था पिछले दिन, उस सेशन के अंदर सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया, और सरकार प्रस्ताव लेकर के इन कानूनों के पक्ष में कि इसके ऊपर बहस करा ली जाए, इस पर वोटिंग करा ली जाए और इस प्रस्ताव को पास करवा लिया जाए। उससे पहले कांग्रेस इस बात को लेकर के शोर मचा रही थी कि कृषि के तीनों जो नए कानून बने हैं हम इसके ऊपर अपनी तरफ से एक प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं जिस पे चर्चा हो। वो जो अपनी तरफ से काम रोको प्रस्ताव लेकर के आए थे, सरकार ने उसको नामंजूर कर दिया, सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे दिए। वोटिंग तो जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था उस पे भी होनी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, मेरे साथियों ने वहां इसके ऊपर चर्चा करने के बजाय इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने उनको समझाया इस बात के लिए कि हमें विधानसभा में अपनी बात रखनी चाहिए, आज तुम विपक्ष की भूमिका में हो, आज आपकी मेरे से ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी बनती है, आप इसके ऊपर चर्चा करो, आप इसके ऊपर सरकार को घेरो, सरकार को मजबूर करो, किसान जितने भी MLA बैठे हैं जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस बात के लिए हमें मजबूर करना चाहिए कि इस प्रस्ताव के खिलाफ हमें सबको मिलकर के वोट डालना चाहिए।
अगर कोई किसान के घर में पैदा हुआ है, किसान का खून है, तो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। और अगर कहीं उसकी जमीन मरी हुई है तो फिर सरकार के साथ रह जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है, कांग्रेस के साथियों ने विरोध स्वरूप विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, ना कि वहाँ इस पर चर्चा करें। मैं अकेला था विधानसभा में जिसने एक घंटे से ज़्यादा इन बिलों को लेकर के सरकार को घेरेबंदी में डालने का काम किया। किसी मंत्री की, किसी MLA की, किसी की जरूरत नहीं हो सकी। जब मैं इस पर बोल रहा था, चर्चा कर रहा था, मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। और जब साथियों में अपनी बात कह करके हाउस से इसका विरोध करके वॉकआउट करके चला तो BJP के लोग हंसे थे। आपने वो ऑडियो जरूर सुनी होगी, वीडियो देखी होगी। मैंने उनको हाँ, मेरी संख्या तो एक थी, उनकी संख्या 60 के करीब थी, लेकिन मैंने जिस ढंग से उनको शर्मसार किया वहाँ पे, जिस ढंग से मैंने उनको सबक दिया, अगर कांग्रेस के साथी हाउस में होते मेरे साथ में तो 100% सरकार को मजबूर कर लेते। लेकिन चलो, देर आई दुरुस्त आई, कम से कम तो उनके समझ में आया कि हमें इस मामले में इस लड़ाई को मिल करके लड़ना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, राठी साहब जिक्र कर रहे थे कि विपक्ष के लोगों के साथ बातचीत करो, मैं अपनी तरफ से विपक्ष के लोगों से भी और सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए, फिर भी उनसे कहूँगा कि हमें चंडीगढ़ में एक मार्च करना चाहिए और गवर्नर के दरवाजे तक जाना चाहिए। एक बहाना है कि गवर्नर समय नहीं दे रहा। गवर्नर समय मिलने का, गवर्नर के दरवाजे पर जाते हुए हमें कौन रोक सकता है? हम जा करके अपनी बात कागज़ पे लिख करके गवर्नर के दरवाजे पे फेंक करके आ सकते हैं। वहाँ प्रेस के लोग जो हैं उनके सामने हम बता सकते हैं कि आज किस तरह से सरकार जो है बैठक पे आई हुई है। आज हमारी बात सुनने की बजाय दरवाजे बंद करके बैठी है। वो गवर्नर के दरवाजे पे जाए, मुख्यमंत्री से मिले, वो प्रेस के लोगों के रूबरू होकर के सारी बात अपनी कहे, लेकिन बहाने करने की बजाय, राजनीति करने की बजाय इस लड़ाई में उनको अग्रणीय भूमिका निभानी चाहिए। मैं तो आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, अभी बात इस्तीफों की चल रही थी, मैं 8 तारीख को बॉर्डर पे जा रहा हूँ और 8 तारीख को मुझे सारे किसान नेता जो हैं वो मिलेंगे। उन किसान नेताओं से बातचीत करूँगा और ज़रूरत पड़ी, अगर मुझे किसी ने कहा, किसी भी किसान लीडर ने वहाँ पर, कि आप रिजाइन करो, तो मैं तो उस घर में पैदा हुआ जिन्होंने कभी, पता नहीं, ये तो MLAship को बहुत छोटी सी बात है, चौधरी देवीलाल ने तो प्रधानमंत्री का अपना ताज भी तो किसी दूसरे के सर पर रख दिया था। उन्होंने तो मुरारजी देसाई को यहाँ तक कह दिया था कि मैं किसान के घर पहले पैदा हुआ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ठोकर मार दी थी। MLA कौन सा कोई बड़ा पद है? हमने तो MLA बनाए हैं, हमने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, हमारे लिए MLAship का है। जिनके लिए है उनके पास ना तुम पहुंच सकते, ना वो थारे पास आ सकते, ये मान के चलो। इसलिए मैं, अगर वो मुझसे कहेंगे कि तू रिजाइन कर, तो पहला शख्स होऊंगा जो उसी वक्त रिजाइन उनको भी दे दूंगा और जाके स्पीकर को भी दे दूंगा। मजदूर एकता, किसान जिंदाबाद। लेकिन आप लोगों से भी एक अनुरोध करूंगा कि आप भी अपने गाँव में लोगों की संख्या को बढ़ाने का काम करो। हर व्यक्ति जो यहाँ पे धरने पे आता है, वो एक फैसला लेकर के जाओ कि कल के धरने में जब आएंगे तो एक आदमी 5 आदमी अपने साथ लेकर के आएगा। पहले 5 लेके आओ, फिर 5 से उस संख्या को 7 करो, 10 करो, 15 करो, फिर जो साथी साथ में आ रहे हैं उनको को भी आप भी अपने साथ एक एक को लेकर के आओ। मैं भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों की जिम्मेवारी लगाता हूँ कि वो भी अपने साथ हर रोज इस धरने में शामिल जब हों, कार्यकर्ताओं को, गांव के साथियों को लेकर के आए। जो सनी लेके आए, मुझे लिस्ट दे दी और पार्टी से बाहर कर दी। ये भी हमने क्या करना है, जो इस लड़ाई में आज हमारे साथ नहीं खड़ा होगा तो फिर उसको पद दे करके बिना मतलब पार्टी के संगठन के ऊपर एक बोझ डालने वाली बात है। नए साथी जोड़ लेंगे, नए साथी बहुत मिल जाएंगे काम करने वाले। तो वायदा जी, अगली बार चीफ मिनिस्टर भी आप ही होंगे। चलो, तो मैं तो केवल आपको, कोई ये नहीं है कि कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने आए, समर्थन देने, मेरे जिम्मे जो काम तुम लगाओगे, जब भी लगाओगे,
आधी रात आपके साथ यही बात आपसे करने है। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धन्यवाद।